गाइस देखिए कितने भयंकर मौसम हो गया है और कितना खतरनाक हो रखा है। काला मौसम, एकदम काला बादल हो रखे हैं और एकदम बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है। गाइस ये देखिए फर्स्ट झलक ऑफ समुंदर इस ट्रिप के। इतनी भीड़ है गाइस यहाँ पर, कितना ज़्यादा है। गाइस ये है मरीना बीच, हम रात हो चुकी है, हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, गर्म गर्म बुड्ढे बनाए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हमने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें दिखाया था, हम रात में स्टे लिया था हमने। इस बार हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, 11 बजे तक ही हमें रूम मिल गया था, पर अच्छा था। और मौसम देखिए गाइस, मौसम आप सोच नहीं सकते। देखिए बारिश वाला मौसम हो रहा है सामने, यहाँ पर एकदम ही मौसम चेंज हो गया। ड्रेस मतलब कल रात तक एकदम साफ मौसम था, अब एकदम बारिश वाला हो गया है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। अब गर्मी महसूस नहीं हो रही बिल्कुल भी, आज दिन भी मुझे लग रहा मौसम अच्छा रहेगा। तो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम ऑलरेडी 8 बज गया, 8 बजे तक का हमने बोला था भैया को चेकआउट कर लेंगे। आज टाइम पर पहली बार निकल गए हम लोग, ये लोग सारे टाइम पर निकल गए, रेडी हो गए आज। आज कोई भी लेट नहीं हुआ, 8 बजे का मतलब 8 बजे ही है। नहा हो गए सब रेडी है, तो बस यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से हार्डली 300 किलोमीटर रह गया चेन्नई, 6-7 घंटे का रास्ता है। यहाँ देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेंगे, सीधा चलते हैं। अरे आज शायद अच्छी होने वाली, क्योंकि अब इस रूट में मैं भी पहली बार आया हूँ, उम्मीद तो एक ही अच्छे होंगे, क्योंकि अब सीधा समुद्र पास आता रहता है, नज़ारे अच्छे होते रहते हैं। चलिए फिर चलते हैं। गाइस अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, 1 घंटा हुआ है गाड़ी चला के ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ कुछ साउथ का रेस्टोरेंट सा दिख रहा है मेरे को, यहाँ लोग खा भी रहे साउथ। ये देखिए तो देखते क्या क्या अवेलेबल है, क्या खाते हैं नाश्ते में। चलिए गाइस हमने ऑर्डर किया है उन्हें डोसा पूरी। पापा डोसा खाते नहीं है तो पूरी मंगाई है। काजल खा रही है डोसा, ये खा रही है गुंजन, क्या खा रही तुम? इसको साउथ का चस्का चढ़ा हुआ है, साउथ में घुसते ना इडली खाती है। पापा हमारे खाते नहीं है डोसा इडली, साउथ का पसंद नहीं बिल्कुल भी, पर घूमना पसंद है साउथ में, सिर्फ पूरी खा रहे हैं। बैठो। अरे बच्चे लोग घूम रहे हैं और मौसम गाइस मौसम बढ़िया हो रहा है, हवा चल रही, देख रहे हो पत्ते कैसे हिल रहे हैं, मस्त मौसम हो रहा है, बादल वाला काफ़ी अच्छी जगह है। और नारियल के पेड़ तो देख ही रहेंगे गाइस, दूर दूर नारियल के पेड़ दिख रहे, इतने प्यारे लग रहे हैं, इसकी तो अलग ही ब्यूटी है, क्या कहना है। ये हमारा आ गया है डोसा, ऑनियन डोसा, एक साथ में नारियल की चटनी, यहाँ पर खुद ही सर्व करना पड़ता है नारियल की चटनी। तो हमारा ये काम कर रही है स्नेहा, देखो इसमें सब ऑनियन दिख रहा होगा आपको, कैसा लग रहा है? सिर्फ काजल और मैं खा रहे हैं, बाकी कुछ इडली खा रही, पापा पूरी खा रहे हैं, अब इनकी भी आ ही रही है, ये बच्चे भी इडली खाएंगे, इसे खा के देखते कैसा लगता है। अच्छा बना रखा है, सही लग रहा है। कैसा लग रहा है? गाइस देखिए इतने भयंकर मौसम हो गया है और कितना खतरनाक हो रखा है, काला मौसम एकदम काला बादल हो रखे हैं और एकदम बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले देखे था हमने, धूप निकल गई थी जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया था, पर अब देखो इतना भयंकर मौसम हो गया है और मज़ा आ रहा है बरसात के, बिना बरसात के सीजन में बरसात देख रहे हैं हम यहाँ पे। वैसे मैंने घाट पर देख लिया था, यहाँ पर बरसात दिखा रखी थी चेन्नई में, और वाकई में जैसे पास पहुँच जा रहे चेन्नई के, बरसात शुरू हो गई है। मुझे लगता नहीं शाम तक मौसम हटेगा, क्योंकि बहुत वैसे मौसम जैसे बरसात में होता है, काले बादल छा रखे एकदम। 98 रह गए आप देख ही रहे होंगे, और सुबह से हमने गाड़ी कितनी चला दी है, 24 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम यहाँ पे, बरसात में भी 137 किलोमीटर अभी तक हमने गाड़ी चला दी सुबह से, मतलब 24 का एवरेज दे रही गाड़ी इस टाइम, कितना भयंकर एवरेज दे रही है, क्योंकि मैं धीरे ही चला रहा हूँ, 90-100 की स्पीड में चल रही गाड़ी, और जगह जगह यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए वैसे भी तेज़ चला तो रिस्की है, एकदम खतरनाक मौसम हो गया है। अब पूरी गाड़ी की हालत होगी ख़राब, अब शीशे में देख पा रहे होंगे, देखो पूरा पीला हो गया है, गाड़ी पीली हो गई है। मेरी लड़की आराम से मज़े से खा पी के सो रही है, खा रही है, सो रही है, खा रही सो रही कर रही है, बस नींद आ रही है मुझे, ऐसे मौसम में कम्बल लो और सो लो। हाँ गाइस कल भी हमने अच्छे से नींद ली थी, रात को बहुत अच्छी नींद मिल गई, परसों में हमने ठीक ही ठाक नींद ली थी, पर दिन में सोते हुए भी आ रही, तब पीने भी नींद की कमी है, और जबकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ मेरे को इतना वो भी नहीं है, सिर्फ रात रात को सो रहा हूँ, दिन में भी सो रहे हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, पता नहीं कैसी नींद है।
और चाय पियो चाय पियो मजे से कहीं देखेंगे मच्छी मुच्छी कहीं मिल जाएगी। पापा का बड़ा मन है मच्छी बना के खाने का, वो टेबल में तो लाई रखे हम, अभी नहीं देखेंगे। जंगल में मंगल करेंगे। हाँ जंगल में मंगल करेंगे। देखो लड़की खाना बनाएंगे मजे से, जैसे कल किया था हमने, खेत में रुके थे। मौसम प्यारा हो रहा है बहुत, कहीं मच्छी देखेंगे आराम से रुक के बनाएंगे और खाएंगे मजे से। आज पापा की इच्छा पूरी करेंगे मच्छी खाने की, है ना। दोस्तों पहुंच चुके हैं चेन्नई शहर में। अभी टाइम में दिखा दो क्या हो रहा है, 1:31 हो रहा है, तो पूरा चेन्नई शहर ही चल रहा है सामने, देख रहे होंगे एकदम। एंटर कर चुके हैं तो होटल वगैरह ढूंढते हैं, कहीं होटल वगैरह लेंगे स्ट्रेट। वैसे मरीना बीच के पास ही जा रहे हैं, उसके आसपास ही कहीं देखेंगे होटल, थोड़ा पास पड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर गणेश भगवान की वो बना रखी है लाइटिंग करके स्टैचू, इतना प्यारा लग रहा है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं चेन्नई, हमने एक अपार्टमेंट ही ले लिया कुछ ऐसे, देखिए यहाँ से एंट्रेंस है, इधर साथ में थोड़ा बालकनी वगैरह है। अब जैसे बालकनी वगैरह देर के थोड़ी सी देखिए, और ये है हमारे दो रूम, ये तो इनका स्टोर कुछ है बंद करा हुआ, एक रूम ये है एक रूम ये सेम है। देखिए वॉशरूम है एंट्रेंस में ही, और ये यहाँ पे पूरा इन्होंने तामझाम फैला दिया है, कपबोर्ड वगैरह दे रखे हैं, अलमारी वगैरह, आप सामान वगैरह रख सकते हैं। दूसरा रूम भी ऐसे ही है सेम है दोनों, तो ये हमें अराउंड 2100 में पड़ा है एक दिन का, दो रूम, आधा घंटा लगा हमें ढूंढने में। और ये बिल्कुल आउटर में लिया है हमें चेन्नई, क्योंकि चेन्नई में पार्किंग ही बहुत इशू है। होटल में गए थे हम 4-5 होटल में पता करने, पार्किंग है ही नहीं और पार्किंग की इतनी दिक्कत है, तो होटल ओनर ने मना कर दिया कि कहीं भी आप कर सकते हैं, आपके रिस्क पे करोगे रोड पे चाहे कहीं भी। फ्रेश होकर हम ऐसे निकलेंगे सीधा मार्केट घूमने के लिए, मॉल भी जाना है, यहाँ का मॉल देखना है क्योंकि क्रिसमस है। उसके बाद फिर सीधा हम मरीना बीच जाएंगे शाम के टाइम, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर कल हमने देखते हैं महाबलीपुरम वगैरह कवर करेंगे, वो आप अगले ब्लॉग में देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर में चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों हम निकल चुके हैं होटल से, अब जा रहे हैं हम एलियट बीच जा रहे हैं, यहाँ पे एलियट बीच करके बीच है, सबसे पहले उधर ही जा रहे हैं। पूरी देखिए मार्केट चल रही है चेन्नई की, ये सारा मेन चेन्नई है गाइस। ये देखिए कितनी भयंकर भीड़ हो रही है यहाँ पे आज क्रिसमस के दिन पे, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही कहीं भी, कब से इधर उधर राउंड काटे जा रहे हैं हम। तो देखिए इधर कितनी इधर पूरी बीच ही बीच है, भयंकर ही बना रखा है बीच जो है। यहाँ पार्किंग लगा दी गाड़ी बड़ी मुश्किल से, पर यहाँ पे पार्किंग थी हमें पता नहीं था, वैसे अब लोगों ने तो भारी लगा रखी है। पर यहाँ से आप देखो एंट्रेंस है, कितनी भीड़ है यहाँ पे सर, कितना क्राउड है। देखिए गाइस पानी ले लो एक बोतल, ये कुछ अंदर खाने पीने का सिस्टम है, फॉल्क वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब चलते हैं समुंदर की तरफ, आगे वहाँ मेला भी लगा हुआ है, वहाँ पे झूले झाले से लगे हुए हैं, ये बच्चों का तो मन डोल गया। ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चों के खिलौने हैं, इतना कुछ है खाने को। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। खतरनाक भीड़ है ना यार? हाँ बहुत भीड़ हो रही है, ये भयंकर रश हो रहा है यहाँ पे। आइए देखिए फर्स्ट झलक ऑफ समुंदर इस ट्रिप की, इतनी भीड़ है गाइस यहाँ पे, इतना ज़्यादा है। आए थे स्नैक्स पे, ये रसिका फिश कॉर्नर पे, तो अभी मैंने स्क्विड लिया है यहाँ पे, जो 70 रुपीज़ की प्लेट है ये स्क्विड की। ये देखिए कुछ इस तरह का है स्क्विड, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे हम। और ये लोग यहाँ से बंटा वगैरह ले रहे हैं जो कोल्ड ड्रिंक होती है, लो खा के देखो थोड़ा सा। खाइए आप, कैसा लग रहा है? ठीक है, पहली बार खा रहे हो स्क्विड? देखिए स्क्विड खा रहे हैं पहली बार, देख रहे हैं आप कितनी क्लोज से, ये स्क्विड है, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, चिंगम की तरह लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये पापा खा रहे छोटे वाली फिश, कैसे लग रही है छोटे वाली फिश? अच्छा लग रहा है फिश। ये इन्होंने बंटा ले लिया एक एक आपसे,
अबे आराम से आराम से, कद्दू में तो झूल रहा है। दोस्तों अभी हम आके फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल जो सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पे चेन्नई का, वहाँ पे आ रखे हैं अभी हम। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली, आज क्रिसमस है तो पूरी पार्किंग फुल कर रहे हैं। एकदम पाँचवें माले पे जाके मिली है, पाँचवें फ्लोर पे, और मिल गई बाई चांस। अब हम चल रहे हैं मॉल के अंदर, आपको मॉल दिखाते हैं यहाँ कैसा है। चलिए मार्के मरीना बीच, यहाँ की फेमस बीच है। मैं आपको बीच दिखाता हूँ, गाड़ी मैंने पार्क कर दी, यहाँ भीड़ नहीं है, वैसे भी टाइम हो गया 9:30। देखिए इतनी बढ़िया मार्केट लगी हुई है, उधर सामने समुंदर है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर चल लो ना यहाँ से। गाइस ये है मरीना बीच, इस टाइम रात हो चुकी है, हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ गर्म गर्म बुड्ढे बनाए जा रहे हैं। यहाँ लोग हैं पर यहाँ क्राउड कम है, वैसे भी लेट हो गए, 9:30 हो गए, फिर उस हिसाब से क्राउड कम है। उस बीच में बहुत ज़्यादा था और हवा इतनी तेज़ चल रही, पता नहीं आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लहरें भी काफ़ी तेज़ है। ये लोग डिसाइड कर सोच रहे क्या खाए क्या ना खाए, इनको कुछ मिल ही नहीं रहा खाने को यहाँ पे। देखिए कितना बढ़िया बूटे सेके जा रहे हैं और गर्म इसके अंगारे देखिए कैसे उड़ रहे हैं हवा में। ये सामने है लाइट हाउस, जो मरीना बीच का लाइट हाउस है, और इधर कुछ बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी। ये बिल्कुल खाली बीच पड़ी, इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। ये निमरेत यहाँ पे निशाने लगा रहा है गुब्बारों में, इसने चार के चार फोड़ दिए, अब पांच आखिरी है इसका, पांचवी, और इसका ये टन आएगी। चलो एक मिस हो गया, अब आप होगा एक मिस कर दिया, चार लगा दिए। अब गुन्नू की बारी, दो से दबाइए हो, एक इसने भी मार दिया है। गुब्बारे तो काफ़ी बड़े वैसे उठी जाएंगे, बाकी लोग गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ चलते गोलगप्पे वगैरह खाते हैं। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको, यहाँ पे हम गोलगप्पे खा रहे हैं, तो ये मैं ग्रेवी वाले गोलगप्पे दे रखे हैं छोले डाल के, अलग ही किस्म के यहाँ गोलगप्पा है, पानी पूरी ये सामने यहाँ पे आंटी ने दिए हैं, यहाँ ग्रेवी वाले मिलते हैं। ये फर्स्ट टाइम हम खा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ, रबड़ी का आराम दिया जा रहा है, कुल्फी, और हम से आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं। अब हम दोबारा से एटीओर बीच जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है खाने को, यहाँ तो कुछ खा नहीं। चलिए फिर थोड़ा बहुत चलते हैं।